बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने धर्म की दीवार तोड़कर जहीर इकबाल से 23 जून को शादी कर ली है। हालांकि सोशल मीडिया पर कपल को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कपल को ट्रोल करने वालों को ऋचा चड्ढा ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऋचा ने ट्रोलर्स का मुंह कैसे बंद करवाया। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के बाद बिहार में लव जिहाद को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। इस विरोध के बीच अब ऋचा चड्ढा ने कपल का समर्थन कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। हीरा मंडी में सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम कर चुकी ऋचा चड्ढा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। एक्ट्रेस ने कपल को शादी की बधाई देते हुए लिखा कि प्रिय सोना और जहीर, मैं तुम्हारी सादगी, एक दूसरे के प्रति तुम्हारे कमिटमेंट से प्रभावित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों अपने मन की करते हो। तुम्हारे साथ कोई फोटो नहीं मिली क्योंकि तुम बहुत बिजी थे, लेकिन अली और मैं तुमसे और तुम्हारे इस जोश से बेशुमार प्यार करते हैं। तुम्हारी कमाल की जोड़ी है। इसके बाद ऋचा ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को ट्रोल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक्ट्रेस ने लिखा कि बुरी नजर वाले, तेरा मुंह फालतू। जी हाँ, तुम दोनों को प्यार, एक शानदार पार्टी के लिए धन्यवाद और मैं तुम्हारी जिंदगी भर की खुशियों की कामना करती हूँ। सोशल मीडिया पर अब एक्ट्रेस का ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की चर्चा काफी समय से चल रही थी। अब 23 जून को कपल ने रजिस्टर मैरिज कर ली है। इसके बाद शाम को उन्होंने रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था जिसमें तमाम बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए थे। हालांकि इस शादी में एक्ट्रेस के दोनों भाई लव कुश गायब दिखे। उनकी जगह एक्ट्रेस के खास दोस्त ने भाई की सारी रस्में निभाई। सोनाक्षी की शादी में दोनों भाई शामिल क्यों नहीं हुए, इसको लेकर भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन हाँ, इस बात का दावा किया जा रहा है कि कुश उनकी शादी में पहुंचे थे, जिसकी वीडियो भी हम आपको दिखा चुके हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।